तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं काउंटडाउन के साथ। थ्री टू वन। मुझे देख के तो लाइक कर ही दो। हाँ लाइक तो कर ही दो। मुझे देख के लाइक कर ही दो। बिना सोचे समझे आज हमने डायरेक्टली प्लान बना दिया। अभी बैठे थे ऐसे ही, आज और कल छुट्टी है, कल 2 अक्टूबर है, तो सोचा चलो कहीं घूम के आते हैं। तो आने वाली क्लिप को देख लेना, उससे पता चल जाएगा हम लोग जा कहाँ पे हैं। वैसे आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही चुका होगा कि हम जा कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे तक जरूर देखना क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं ट्रेन से चर्च गेट। आ जाओ सब लोग, फोटो आ जाओ, एक फोटो क्लिक करते आ जाओ। ये सब लोग आओ ना। यहाँ से टैक्सी पकड़ के हमें जाना था इंडिया, मींस गेट ऑफ इंडिया। टैक्सी तो हमें यूं ही मिल गई, पर टैक्सी वाले भाई ने बहुत पकाया हमें। अभी हम आ चुके हैं चर्च गेट बीटी साइड, और गेट ऑफ इंडिया से हम पकड़ेंगे शॉन द शिप। यहाँ पर हम शूट कर रहे थे तो मैंने थोड़ा टाइटैनिक वाला पोज देना चाहा, पर फ्लॉप हो गया। तो हमें गेट ऑफ इंडिया से 220 रुपीज़ पर पर्सन लगे फेरी के, और बोट ने हमें 45-50 मिनट्स में मांडवा पहुंचा दिया। मांडवा पहुंचने के बाद हमने बाहर से टैक्सी लिया फार्म हाउस जाने के लिए, बिकॉज हमारा फार्म हाउस 7 to 8 किलोमीटर्स दूर था मांडवा से। वैसे बाहर बस भी अवेलेबल है, तो आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हो। तो फाइनली हम पहुंच गए अभी यहाँ पे, ये रूम में अभी आ गए हो। बाहर का लोकेशन मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले जहाँ पे अभी हम जिस जगह पे रुके हुए हैं ये रूम के अंदर, तो ये रूम देख लो। वैसे बिकॉज पर पर्सन 1700 रुपीज़ है यहाँ पे चार्जेस, तो उसके रिलेटेड रूम, और प्लस यहाँ पे वॉशरूम भी है। वेट अ मिनट। यहाँ पे स्टोर करने के लिए कुछ दिया इन्होंने, और टीवी भी है। बाहर का व्यू अच्छा है, ये सब आम के पेड़ है जितने भी है यहाँ पे। अभी बाहर जाता हूँ मैं, आपको बाहर का लोकेशन दिखा दो, पर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी मुझे पहले चाय पीने का टाइम है मेरा, तो चाय पीऊंगा अभी पहले, फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ बाहर का लोकेशन। फैमिली साथ यहाँ परफेक्ट फिट होते हैं, स्वीट सिंपल है, हेल्दी लोगों जाते बैचलर भी इतने हैं, लड़के लोगों के साथ बच्चा नहीं है, फैमिली के साथ भाई लड़के को भी मैं कहने का नहीं था। आप 14 बगी के सेकंड नंबर पिंपर सड़क गए थे, क्या बोलोगे आप लोग। चाय कैसा है? अच्छा है ना। अभी हम हमारे फार्म हाउस से बाहर आए और जा रहे बीच पे। हमारे फार्म हाउस का नाम है राणे फार्म हाउस, और यहाँ से बीच है ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर्स। तो देखता हूँ अभी वहाँ का लोकेशन कैसा है, वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ जो भी रहेगा, जैसा भी लोकेशन रहेगा। बट यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, और यहाँ का आसपास का सीनरी जो कुछ भी है देखने लायक है, बहुत
ऐसा गांव सा फील हो रहा है, बहुत गांव में आ गया हूँ मेरे, जस्ट लाइक रत्नागिरी कैसा है वैसा वाला फील। चलो वहाँ पे जाके कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो ये है अलीबाग का बीच। एक्चुअली कैसा है ना, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं तो अलग फील है थोड़ा, लोग बहुत कम है बीच पे, ज़्यादा गर्दी नहीं है और बहुत क्लीन है यहाँ पे बीच, मतलब ऐसा गंदगी नहीं है। अच्छा, अगर लोग कम है तो गंदगी भी कम होती है। ये प्रॉब्लम ये है कि अभी ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है, अभी लाइट कम हो चुकी है, तो कुछ ऐसा दिखाने जैसा तो है नहीं कि कुछ दिखा पाऊँ, और अंधेरे में इतना कुछ अच्छा दिखेगा अभी नहीं, क्लियरिटी नहीं आएगी। तो पॉसिबल हुआ तो कल मॉर्निंग में अगर आया तो फिर तभी कुछ कैप्चर करने मज़ा आएगा। देखूँगा अगर टाइम मिला तो मॉर्निंग में आऊँगा मैं यहाँ पर फिर से, लेट्स सी। तो अभी बहुत अंधेरा हो चुका है तो हम फिर से जा रहे हैं अभी हमारे फार्म हाउस में। कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है वैसे अंधेरे के कारण, तो चलो निकल दे यहाँ से अभी। आते समय हमें एक गांव लगा, वहाँ पे एक मारुति मंदिर भी था, वहाँ पर कुछ देर हम रुके और वहाँ से चले गए। फार्म हाउस पहुँचते समय इतना अंधेरा हो गया था कि ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा था, और ऊपर से रास्ते की स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई। यहाँ से निकलने के बाद हमें मेन रोड मिला जहाँ पर थोड़ी लाइट थी। इतना चलने के बाद हम बहुत थक चुके थे, तो रूम पे जाने के बाद हम डायरेक्ट सो गए। रात को बीच पे से आने के बाद मैंने वैसे भी कहीं पे एक्सप्लोर नहीं किया, बिकॉज बहुत अंधेरा हो गया था यहाँ पे और हम थक भी बहुत गए थे, तो आकर सीधा सो गए। अब मॉर्निंग में जा रहे नाश्ता करने, तो देखते हैं अभी नाश्ते में क्या है। चले ब्रो जाना है, उठ उठ हो गई सुबह। चलो time to swim. इन दोनों में हो गई वॉर, वाटर फाइट वॉर। खैर जीता दोनों में से कोई भी नहीं। अगर आपको ये जगह अच्छी लगी हो और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप फार्म हाउस के ओनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी पूल से बाहर आने के बाद हमने थोड़ा रूम पर आके फ्रेश हो गए सब लोग, ए बाबा बीच में मत आ। और फ्रेश होने के बाद अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर हम करेंगे चेकआउट, तो देखते अभी खाना कैसा है, टेस्टी होगा क्योंकि कल रात का खाना बहुत मस्त था, फिश प्लस कोलमी रस्सा एंड राइस एंड रोटी। अगर भाकरी चाहिए तो आप भाकरी बोल सकते हो, लेकिन हमने चपाती बोला था। तो अभी आफ्टरनून का देखते हैं कि कैसा होगा खाना। चलो तो आज का खाना आ चुका है, राइस, सूखा चिकन, ग्रेवी वाला चिकन, साथ में ये स्वीट आम रस जो बहुत स्पेशल था, सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए, और चपाती और तांदाची भाकरी प्लस नींबू एंड ऑनियन। चलो तो मैं आज का खाना शुरू करता हूँ।
ये देखो इंसान को देखो, इसका खाने का क्वांटिटी देखो, ये देखो ये खाता है कि मस्ती करता है, इतना सारा। अबे एक पानी की बोतल दे। ओके थैंक यू। स्नोलैक्स है हमारे ग्रुप में एक। स्नो वर्ल्ड का स्नोलैक्स। तो आज की पूरी एंजॉयमेंट हो चुकी है और इस तरह से मैं अपनी वीडियो को करता हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको न्यू अपडेट्स आते रहेंगे मेरे न्यू वीडियोस के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।